gets buried under the negative news. तो मेरा ख्याल है कि इस मार्केट में वैल्यूएशंस बहुत अच्छी हैं. उन वैल्यूएशंस का फ़ायदा उठाना चाहिए. जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं इस मार्केट में, वो देख सकते हैं कहाँ वैल्यूएशंस हैं और वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं. हमारे लोकल इन्वेस्टर्स शायद इसलिए भी कुछ शाये हुए हैं बिकॉज एज आई सेड ये जो MTS कैपिटल गेंस टैक्स, ये एक दो चीज़ें आई हैं जो इंट्रोड्यूस हुई हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स आर ट्राइंग टू सी कि अंदर मार्केट में भी घुसें कि ना घुसें. सही. तो और लिक्विडिटी इश्यूज भी हैं. आपको पता है बैंक्स भी अपना दे आर शाय टू गिव मनी टू द स्टॉक मार्केट एंड देयर इज नो मार्जिन ट्रेडिंग प्रोडक्ट. वो अनसर्टेन साइड सिनेरियो है. कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या सूरत हाल होगी. थोड़ा सा मैं एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री के हवाले से आपसे बात करना चाहूंगा मौजम साहब. एसेट मैनेज इंडस्ट्री NIT तो बहुत बड़े अरसे से ऑपरेट कर रहा था, मगर जो है जब प्राइवेट इदारे जब से आए, कह सकते हैं करीबन कोई 10-12 साल हुए होंगे, 15 साल होंगे जब से आई थिंक द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड प्लेइंग देयर रोल इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, कस्टमर बेस जो है वो बहुत छोटा है एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री का. साथ साथ अगर आप कहें तो कोई 1.5% ऑफ GDP कॉन्ट्रीब्यूट करती है जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है. क्या वजह है कि हम इतना मजीद पेनिट्रेट नहीं कर पाए, ग्रो नहीं कर पाए? जहाँ पे आपका जो इन्वेस्टर होता है वो अमूमन रिटर्न ढूंढ रहा होता है. उसको जहाँ सबसे ज़्यादा और जिस सबसे सेफ रिटर्न मिलता है वो उसी तरफ जाता है. तो आपके जो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट में, मसलन NSS या आपके NIT के, या आपके जो जनरली आप वापटा सकूक बॉन्ड्स ले लें, कोई ऐसी चीज़ें ले लें जिनमें आपको रिस्क फ्री रिटर्न्स मिल रहे हैं, right. तो ऑल अदर इन्वेस्टमेंट जो सारी आपकी और ऑप्शंस होती हैं आप उसके साथ कंपीट कर रहे होते हैं. तो अगर आपकी रिस्कियर ऑप्शन होगी तो अमूमन जो इन्वेस्टर होगा वो उस ऑप्शन से दूर चला जाएगा. तो आपके जो करंट इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट है उसमें इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम्पीट विद दोज हाई इंटरेस्ट रेट्स. सो योर यू नो रिस्क फ्री रिटर्न इन अ सेंस या रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स जो हैं आपकी, आपको अगर 13% दे रही हैं तो इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड. दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई देयर हैज बीन अ श्रिंकेज इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री. सर मजहब साहब, अवेयरनेस के बारे में क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से लोगों में अवेयरनेस भी इतनी नहीं है, बिकॉज लोग अभी भी जो है बैंकों में पैसा इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, ना कि म्यूचुअल फंड्स में करें. इवन तो म्यूचुअल फंड्स रिटर्न ज़्यादा देते हैं और एक फ्लैट रेट पर रिटर्न आपको देते हैं, जबकि बैंक्स जो है वो वेरिएट करती है उनकी इंटरेस्ट रेट्स. तो अवेयरनेस के हवाले से क्या करना चाहिए हमें कि जो है ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को हम कम से कम मुतासर कर पाएँ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की तरफ? देखिए, आई थिंक लोग अवेयर होते हैं एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस दैट, बट एज एन इंडस्ट्री ये एक नेसेंट इंडस्ट्री है. अगर आप अक्रॉस द बॉर्डर जाएं तो हमारी इंडस्ट्री का साइज तकरीबन 250 बिलियन रुपए है आजकल फॉर फंड मैनेजमेंट. उसमें से 90% आप समझ लें एक इदारे की इन्वेस्टमेंट्स हैं. सो इन अ सेंस ये जो एक किस्म की जो डेप्थ है मार्केट में बहुत कम है. अगर आप अक्रॉस द बॉर्डर चले जाएं तो आपका कोई एक फंड जो है वो ट्रिलियन रुपीस का है. तो इस अवेयरनेस को इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट. एक रेगुलेटरी इन्वायरमेंट होनी चाहिए जिसमें कि आपके इन्वेस्टर्स की एजुकेशन हो. एक बैंक सिर्फ अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ना शेयर्स बेचे बल्कि वो और 10 और के बेचे. और ये यही हमारा एक मकसद है BMA फाइनेंशियल सर्विसेज में कि हम लोग फ़र्क म्यूचुअल फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करें, लोगों को एजुकेट करें. और हमारी तरफ से कोशिश यही है कि हम लोग इन्वेस्टर्स का एक फोरम करें जहाँ पे कि हम लोग फ़र्क शहरों में जाते हैं और थ्रू BMA ट्रेड एंड BMA कैपिटल ब्रांचेस हम लोगों को इन्वाइट करते हैं कि आप आइए और आप लोगों को हम लोग बेनिफिट्स बताते हैं. सही. कि आप इस फ़र्क फाइनेंशियल प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका ये रिटर्न होगा. तो आई थिंक अगर ये हम लोग एट एन इंडस्ट्री लेवल करना शुरू कर दें तो जिस तरह की ग्रोथ आई है टेलीकम्युनिकेशंस में, आपके 9900 मिलियन सब्सक्राइबर्स आ गए हैं टेलीफोन सब्सक्राइबर्स, तो लोग एजुकेटेड होते हैं, दे विल रन टुवर्ड्स दीस काइंड ऑफ रिटर्न्स. सही. अच्छा ये बताएं मौजम साहब कि एक्सेसिबिलिटी के हवाले से आप क्या कहेंगे? आई नो BMA इज ग्रोइंग अ लॉट फॉर दैट, बट अगर आप ओवरऑल इंडस्ट्री के हवाले से बात करें तो एक्सेसिबिलिटी भी जो है म्यूचुअल फंड्स की वो कम है, बिकॉज बैंक्स ने तो अपनी ब्रांचेस हर जगह पे फैलाई हुई हैं. तो व्हाट अबाउट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री? जो म्यूचुअल फंड्स हैं, ये जो कंपनीज जो एसेट मैनेजमेंट में डील कर रही हैं, उनकी एक्सेसिबिलिटी को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है? हाँ देखिए, जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनमें होगा. देर इज जो आप अभी देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स की इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है. तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं दे विल प्ले अ कैटालिटिक रोल, जिसमें कि दे विल बी एबल टू गो आउट एंड मार्केट टू अ लॉट ऑफ द कस्टमर्स एंड दे विल बी इम्पार्शल. सो एक हद से लिहाज से उस तरह भी
आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होंगी और जो आपके वंस डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स ऑफ यू विल सी के जो बैंक्स हैं जिनको जो इसी देर इज़ अ कॉम्पिटिशन. अगर आपका बैंक की एक ब्रांच है और बैंक आपका एक 7 या 8% रिटर्न अचीव कर रहा है, स्प्रेड अचीव कर रहा है, तो दे वुड रादर पार्क द मनी इन अ सेविंग्स डिपॉजिट एंड अर्न दैट फॉर देमसेल्व्स रादर देन गिव द मनी टू अ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री. मौज़म साहब, आपसे मज़ीद बातचीत करते हैं मगर यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का. नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मौज़म एम मलिक साहब से जो कि CEO हैं BMA कैपिटल्स के. मौज़म साहब ने कहा है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो कुल हजम है वो जो है कोई 250 अरब रुपए का है. इस हवाले से मज़ीद बातचीत करते हैं इस ब्रेक के बाद. आप देखते रहिए पावर लंच. जी नाज़रीन, पावर लंच में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद. नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मौज़म एम मलिक साहब जो कि CEO हैं BMA कैपिटल्स के. हम उनसे बात कर रहे हैं पाकिस्तान के एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री के हवाले से. हमने ब्रेक से पहले जो है कैपिटल मार्केट्स को भी टच किया. उन्होंने बताया कि वो MTS से भी क्या एक्सपेक्टेशंस उन्होंने रखी हुई, उस हवाले से भी बातचीत की. जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले आपको बताया कि मौज़म साहब ने कहा था कि मजमू हजम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का 250 अरब रुपये का है. वही म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के ऊपर भी हमारी बातचीत जारी रहेगी मगर अब थोड़ा सा अपने फोकस को थोड़ा सा डिविएट करते हैं. मौज़म साहब, बात करते हैं वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री की पाकिस्तान में. आपने भी जो है ब्रेक से पहले मेंशन किया था कि दैट इज अनदर एरिया दैट यू आर स्लाइटली लुकिंग एट. तो थोड़ा सा बताइए कि वेल्थ मैनेजमेंट का कितना स्कोप हो सकता है पाकिस्तान में? वेल्थ मैनेजमेंट का बहुत स्कोप है. एक जो सच बात अगर मैं कह दूं कि भाई वेल्थ तो तभी आप शो कर सकते हैं जब वेल्थ टैक्स आप डिक्लेयर करें और फिर उस वेल्थ को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. बिल्कुल. तो जिस मुआशरे में कि हम लोग किसी ना किसी वजह से अपनी वेल्थ को छुपाते हैं तो उस माशरे में बड़ा मुश्किल होता है उस वेल्थ टैक वेल्थ मैनेजमेंट को जस्टिस देना. पर डिस्पाइट दैट आई वुड से कि वेल्थ मैनेजमेंट के प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान में. हम लोग ज़्यादातर वेल्थ मैनेजमेंट हाई नेटवर्थ और अल्ट्रा हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स के लिए कर रहे हैं. सही. पर वेल्थ मैनेजमेंट का जो एक अहम इशू होता है वो ये होता है कि आप वो अपॉर्चुनिटी ढूँढें अपने क्लाइंट के लिए जिसमें सबसे ज़्यादा उनको रिटर्न मिले. अच्छा. और वो नेसेसरली पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर भी हो सकती है. जैसे आपके ग्लोबल इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में भी कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो वैसे ही वेल्थ मैनेजमेंट में आपको कोशिश करनी चाहिए कि नॉट जस्ट इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स बट आल्सो इन डिफरेंट ज्योग्राफीज. मौज़म साहब, थोड़ा सा ताकि हम अपने नाज़रीन को भी एजुकेट कर पाएं इस वक्त, वेल्थ मैनेजमेंट एक्चुअली होती क्या, थोड़े से आसान से अल्फाज में बताएं कि वेल्थ मैनेज व्हाट इज वेल्थ मैनेजमेंट. देखिए जी, वेल्थ मैनेजमेंट इज प्राइमरली मैनेजिंग द वेल्थ ऑफ आइदर एन ऑर्गेनाइजेशन और एन इंडिविजुअल एंड बीइंग एबल टू मैनेज इट अक्रॉस डिफरेंट ज्योग्राफीज. टिपिकली आपके जो बड़े बैंक्स हैं वो ये प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं जिसमें कि आप मैच करते हैं एक इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन प्रेफरेबली इंडिविजुअल की रिटर्न एक्सपेक्टेशंस को विद देयर रिस्क एक्सपेक्टेशन. सो यू ट्राई टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन दैट. सही. तो सॉरी, इज वुड यू ऑल्सो कैटेगराइज इट कि एक हाई क्लास कस्टमर सर्विस भी आप इसको कह सकते हैं या नहीं? बिल्कुल जी, दिस इज अ वेरी डेडिकेटेड सर्विस. इट्स अ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक सर्विस और आपका टिपिकली जो आपके एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको अंडरस्टैंडिंग होती है प्रोडक्ट्स की वो आपके बैठ के आपके क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं. इट्स बिल्कुल एक किस्म का वन ऑन वन होता है. बिल्कुल. मौज़म साहब,